राजधानी भोपाल में तेजस जन कल्याण समिति के द्वारा सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता सहित अन्य शामिल हुए, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश भर में भव्य गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी भोपाल में भी तेजस जन कल्याण समिति अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता के नेतृत्व में सामूहिक गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहाँ उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन पूजा की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सोशल मीडिया उत्कृष्टकार एवं विशेष योग्यता वाले कई लोगों को समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। गोवर्धन 9 वर्षों से गोवर्धन पूजा का अद्भुत कार्यक्रम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि भोपाल शहर में सार्वजनिक रूप से गोवर्धन पूजा का इतना विशाल कार्यक्रम इसी संस्था ने प्रारंभ किया है और इनसे ही प्रेरणा लेकर आज भोपाल शहर में अनेक स्थानों पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आयोजित होना शुरू हुए हैं। आप हम सब जानते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए मध्य प्रदेश, भोपाल और पूरे देश से लाखों लोग जाते हैं और उस पूजा का अवसर यहाँ संस्था ने प्रदान किया है। मैं संस्था के अध्यक्ष, सचिव और सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने गोवर्धन का अनुभव यहीं जनता को देने का ये सफल प्रयास किया है। आज जो है सामूहिक गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया गया है और इसमें जो है काफ़ी श्रद्धालुओं ने सामूहिक गोवर्धन पूजा करी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जबलपुर, मथुरा, वृंदावन वहाँ से जो हरिओम शर्मा जी के नेतृत्व में जो टीम आई है वो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात तक चालू रहेगा। ये नववर्ष है, समस्त सफलतम नववर्ष है जो समिति का। बिल्कुल, भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।